अभी सबसे पहले आपका जो नेटवर्क है, आपके बाबा को मैंने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे मैंने पूरा डिटेल से उनको पढ़ा। मैंने सीरत मोहम्मद के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी है, इट इज अमेजिंग। वो जो उन्होंने अपने बहाव की रोशनी में जो जो लिखा, जफर जामा के बारे में जो उन्होंने लिखा, मैंने आपकी स्पीचेस, आपके बाबा की जो स्पीचेस, सारी स्पीच है मैंने सारी उनको सुनता हूँ। और अमेजिंग फैमिली, और आप जो दर्श दे रहे हैं और आप जो ये निजाम चला रहे हैं, सर इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। इस वक्त कायनात में आई थिंक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है वाकई, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि देर इज नो प्लेटफॉर्म। और जहाँ तक, एक मिनट, मैं दो बातें मैं कर दूं कि इस वक्त वाकई कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो इस तरह चल रहा हो। एंड दी अदर थिंग इज, दर्द दुरुस्त नहीं दे रहे भाई, हम दर्द वाले लोग नहीं है, ठीक है ना, हम अल्लाह की कुर्बत अख्तियार करवाते हैं। हाँ, दरवेशी का ये किताबी चीज़ें हैं, दर्द दुरुस्त, ये बुक्स के फार्मूले हैं, वी आर नॉट अ बुक पीपल, ठीक है ना, ये चीज़ है। हाँ, ये वर्ड्स जो है ना, ये दर्द हो गया, ये इस तरह की चीज़। जी 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 बिल्कुल। तो शादी, मुझे एक दो बातों के हवाले से आपसे बात करनी थी कि मेरी मैंने तवज्जो की पोस्ट में मैं डालता रहता था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पास होता था, तो मैंने शादी की तस्वीर आगे रखी हुई थी जिस दिन मेरी पांचवी अटेम्प्ट थी, मैं पांच दफा फेल हो चुका था, मेरी छठी अटेम्प्ट थी। तो ये टेस्टिमोनी भी है एक आपके लिए कि मेरा टेस्ट पास नहीं होता था, लेकिन तस्वीर मेरे मोबाइल में थी आपके बाबा जान की। तो मैं उस जब मेरा सिक्स अटेम्प्ट थी, हर अटेम्प्ट मेरा 1000 दिरहम लगता था फेल होने के बाद, लेकिन जो मेरी सिक्स अटेम्प्ट थी, तो मेरे शादी का कॉन्सेप्ट लेके, बड़े शादी का कॉन्सेप्ट लेके टेस्ट देने के लिए गया और बिस्मिल्लाह पढ़ता रहा, बस बिस्मिल्लाह पढ़ता रहा, बस बिस्मिल्लाह पढ़ता रहा, और शादी की तस्वीर देखता रहा आपके बाबा जान की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और शादी की नजर से और आपके फैसे वो मेरा वो टेस्ट पास। फेसबुक के ऊपर पोस्ट भी डाल दी थी शुक्रिया के लिए, एक रूहानी असर मेरे पर, शायद क्योंकि पांच दफा मैं वो क्लियर नहीं कर पाया था, छठी दफा आपसे मेरा रब्ता बना और फिर मैंने जब उसको माइंड में रखा, शाहजी की तस्वीर मेरे सामने थी जब मेरी सिक्स अटेम्प्ट थी और मैं बस सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा था और मैं कुछ भी नहीं पढ़ा था, कोई वज़ाइफ़ कोई आपकी तरफ से मेरा रब्ता ही नहीं हो रहा था। दिस वॉज अ सूफी गाइडेंस चैनल प्रोडक्शन।